नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपकी जानकारी में ऑलरेडी होगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण के दौरान यह घोषणा करी थी कि केंद्र सरकार विवाद से विश्वास स्कीम 2020 लेकर के आ रही है, जिसके अंतर्गत जो भी मामले अपीलों में पेंडिंग हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल अथवा सीआईटी अपील में इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड, उनके संदर्भ में सर सरकार इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने जा रही है और इस स्कीम का लाभ निश्चित रूप से बेनिफिशियरी असेसीज को मिलने वाला है, प्रोवाइडेड वो कुछ टैक्स का अमाउंट या पेनल्टी का अमाउंट पे करने को तैयार हो। तो मैं आज की इस वीडियो के थ्रू आपके सामने इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। यहां ये बात इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए कि सरकार इस संदर्भ में द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 एक स्पेसिफिक बिल लेकर के आई है जो सदन के पटल पर रखा जाएगा और ये बिल जब पारित हो जाएगा, यानी लोकसभा, राज्यसभा और फाइनली माननीय राष्ट्रपति महोदय की एसेंट द्वारा, देन इट विल बी नोन एज द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020। तो स्पष्ट रूप से सर एक्ट बना करके इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। और जैसे आप लोगों ने पिछले साल इनडायरेक्ट टैक्स में सबका विश्वास इस प्रकार नाम से, सबका विश्वास नाम से एक स्कीम इंप्लीमेंट की थी सरकार ने, उसी प्रकार से इनकम टैक्स में भी एक स्कीम लाई जा रही है। इस स्लाइड में सर मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं जिनका उत्तर ढूंढने की हमें कोशिश करनी है। विच केसेस विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम? 1. हाउ मच रिलीफ और एमनेस्टी इज प्रपोज्ड? हु मे अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम? Who can't avail the benefit of the scheme? How disputed tax is to be computed? What is the procedure? And some other important points which are also relevant for you. तो आगे के डिस्कशन में सर हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सर जो हमें ध्यान रखना है कि जो रिलीफ मिलने जा रही है सर, वो रिलीफ हमें मिलेगी टैक्स एरियर के संदर्भ में। अब टैक्स एरियर का मतलब क्या है, ये एक टेक्निकल टर्म है जो हमें यहां पर समझ लेनी चाहिए। टैक्स एरियर में क्या क्या शामिल होगा सर? 1. एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स, पहली बात टैक्स, इंटरेस्ट, चार्जेबल और चार्ज। चार्जेबल और चार्ज में क्या फर्क है सर? जहां इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिटरमाइन हो चुकी वो तो है सर चार्ज, और जहां डिटरमाइन होनी है बिकॉज अभी टैक्स का फिगर भी कुछ कलर ले सकता है, चेंज हो सकता है, तो वहां वो चार्जेबल हो गया। ऑन सर डिस्प्यूटेड टैक्स एंड पेनल्टी लेवीएबल और लेविड, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। पेनल्टी लेवीएबल का मतलब क्या है? हम लोग ज्यादातर असेसमेंट ऑर्डर्स के विरुद्ध जब अपील में जाते हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पास में एक रिक्वेस्ट लगा देते हैं कि साहब अभी पेनल्टी प्रोसीडिंग को पेंडिंग रखिए। अब मान लीजिए मैं किसी मैटर पर अपील में असेसमेंट ऑर्डर के विरुद्ध खड़ा हूं और मैं इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता हूं, इस दौरान मैंने पहले ही इनकम टैक्स ऑफिसर के पास में रिक्वेस्ट लगा रखी है सर कि अभी पेनल्टी को पेंडिंग रखिए, मेरा अपील डिसाइड होने दीजिए। मान लीजिए मैं इस असेसमेंट ऑर्डर की अपील को इस स्कीम के बेनिफिट के अंदर लेकर के जाता हूं, यानी मैं एक डिक्लेरेंट बनता हूं और इस स्कीम का लाभ उठाता हूं, तो सर जो पेनल्टी मेरे ऊपर लग सकती थी वो पेनल्टी भी यहां पर आकर के छूटेगी, ऐसी इस स्कीम का व्याख्या निकल करके आती है। साथ ही साथ सर मैं वापस ये कहूंगा सर कि यहां पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों चीजों को सर टैक्स एरियर में शामिल किया है। और डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट क्या क्या हो सकता है सर जो शामिल है? 234A, 234B, सेक्शन 220, 201, 206C, यानी मैं कहना चाहता हूं टीडीएस, टीसीएस से रिलेटेड डिफॉल्ट के इंटरेस्ट भी इस स्कीम के एम्बिट में है। डिस्प्यूटेड पेनल्टीज यहां पर जो एम्बिट में है सर, उसके अंदर मैंने कुछ उदाहरण के लिए लिखा है सर, 271(1)C, 271(b), 271(a), 271(b), जैसे लोग ऑडिट नहीं कराते तो 271(b) की पेनल्टी लगती है। कैश में लोन ले लिया या रीपे कर दिया तो 269(SS), 269(t), इन पेनल्टीज के संदर्भ में भी इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। डिस्प्यूटेड फीस, ये एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है सर कि ये पर्टिकुलर स्कीम सर फीस को भी अपने एम्बिट में ले रही है, और मैंने यहां स्पष्ट रूप से सर 234(e) लिखा है जो कि टीडीएस की रिटर्न लेट होने पर लगने वाली फीस से संबंधित है, उस फीस के संदर्भ में भी सर इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। अब
मैं जो प्रश्न रखने जा रहा हूं सर आपके सामने वो है विच केसेस विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम और हु मे फाइल अ डिक्लेरेशन अंडर द स्कीम। ये स्कीम क्या चाहती है सर कि आप एक डिक्लेरेशन फाइल करें यदि आप इच्छुक हैं आप इंटरेस्टेड हैं तो, और ये डिक्लेरेशन कब फाइल किया जा सकता है जब आपकी कोई अपील 31 जनवरी 2020 को इनकम टैक्स संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ITAT या कमिश्नर अपील में पेंडिंग है तो, और ऐसी अपील हो सकता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है असेसी ने फाइल की हो सकती है या डिपार्टमेंट द्वारा भी फाइल हो सकती है। जैसे मान लीजिए असेसी CIT अपील में हार गया फिर उसने ITAT में अपील करी वहां जीत गया रेवेन्यू अब हाईकोर्ट में चली गई असेसी को लगता है कि चलो ठीक है इस डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाता हूं और मैं एक तरीके से एमनेस्टी का लाभ लेने के लिए खुद को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो अगर आपकी 31 जनवरी 2020 की अपील पेंडिंग है चाहे आपने फाइल की हो चाहे डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट फाइल की हो आप इस स्कीम के अंदर एप्लीकेशन करने के योग्य हैं। अब देखिए सर जो मैं बात करने वाला हूं वो है हाउ मच रिलीफ या एमनेस्टी इज प्रपोज, आपको कितना फायदा मिलेगा क्या फायदा मिलेगा। तो मैंने पहला बाइफरकेशन दिया सर रिलेवेंट केस, और जैसा इस स्कीम में कहा गया है कि अगर आप 31 मार्च 2020 तक पे करेंगे तो आपको कितना पेएबल है, और अगर आप 1/4/2020 से एक लास्ट डेट जो सरकार नोटिफाई करेगी उस तक पे करेंगे तो आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो मेरा पहला क्लासिफिकेशन है सर वेयर द टैक्स एरियर इज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट चार्जेबल और चार्ज ऑन सर डिस्प्यूटेड टैक्स एंड पेनल्टी लेवीएबल ऑन सर डिस्प्यूटेड टैक्स। यानी अगर आपके केस में कोई टैक्स एरियर खड़ा है आउटस्टैंडिंग जिसमें टैक्स शामिल हो सकता है इंटरेस्ट शामिल हो सकता है और उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगना प्रस्तावित हो सकता है, तो सरकार कह रही है 31 मार्च 2020 तक आप केवल अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स हमें दे दीजिए हम आपको वेवर फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दे देंगे। बहुत बढ़िया सर, आपको केवल क्या देना है टैक्स का अमाउंट देना है और आपको वेवर किससे मिल रहा है इंटरेस्ट से और पेनल्टी से वेवर मिल रहा है। अगर मान लीजिए आप समाओ 31 मार्च 2020 तक अमाउंट पेबल आपका डिटरमाइन नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में 1/4/2020 के ऑनवर्ड्स जो सरकार लास्ट डेट इस स्कीम की बताएगी प्रिस्क्राइब करेगी उस परिस्थिति में सर आपको टैक्स अमाउंट का 110% पे करना है और आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी से वेवर सरकार दे देगी। तो अभी भी सर बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये अब निश्चित रूप से अगले 2 महीने हमारे लिए, 2 महीने तो मैं नहीं कह सकता, रादर फरवरी के लगभग 2/3 पीरियड और आपके पास में मार्च उपलब्ध है, आपको डिसाइड करना है क्या इस स्कीम में बेनिफिट लेना है या नहीं लेना। और यदि सर वेयर द टैक्स एरियर रिलेट्स टू डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट और डिस्प्यूटेड पेनल्टी और डिस्प्यूटेड फीस तो क्या होगा सर, तो सरकार कह रही है आप केवल 25% ऑफ डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी या फीस दे दीजिए। कब? 31 मार्च 2020 तक। और अगर आप 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स देते हैं तो आपको सर 30% अमाउंट पे करनी है ऐसे डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट पेनल्टी फीस की। तो सर ये जो मैंने स्लाइड आपके सामने रखी ये बड़ी क्रूशियल है कि इस स्कीम में अगर किसी व्यक्ति को आना है तो उसे मुझे ये बेनिफिट बताने पड़ेंगे कि सर आप अगर केवल टैक्स पे करने को तैयार हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं वेवर फ्रॉम इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और अगर आपने मान लीजिए असेसमेंट ऑर्डर पर तो अपील ही नहीं करी और आपकी जो अपील है वो पेनल्टी के अगेंस्ट है या TDS के केस में असेसिन डिफॉल्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और साथ के साथ 234E के जैसी कोई फीस लग रही है, तो आप 25% का मानस बनाइए पे करने का, बाकी अमाउंट सरकार आपको वेव कर देगी यदि 31 मार्च 2020 तक एप्लीकेशन आपने दाखिल कर दी है आप डिक्लेरेंट हो गए हैं। तो मैं इसी एमनेस्टी के संदर्भ में उदाहरण के थ्रू आपके सामने आगे बात रखने की कोशिश करता हूं। अब यहां उदाहरण देखिए सर, मैंने एक फर्म का उदाहरण लिया आपके सामने कि मान लीजिए XN कंपनी एक फर्म है, असेसमेंट ईयर 2011-12 के लिए मैं मान लेता हूं कि इस असेसी के ऊपर एक असेसमेंट हुआ और उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 5.5 लाख रुपए की डिटरमाइन हुई। टैक्स पेड एज पर ITR असेसी का 3,40,000 था तो डिस्प्यूटेड टैक्स 2,10,000 था। मैं मान लेता हूं असेसी ने इस 147 के ऑर्डर के विरुद्ध जो उसके अगेंस्ट में पास हुआ था अपील कर रखी है CIT अपील में जो कि 31 जनवरी 2020 को पेंडिंग है। अब डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट क्योंकि टैक्स बढ़ गया है तो इंटरेस्ट भी साथ साथ बढ़ गया और पेनल्टी भी जो लगना प्रस्तावित है वो भी मैंने यहां पर मेंशन कर दी।
तो एक तरीके से टोटल टैक्स एरियर 6,15,000 रुपए बनता है, यानी आप इसे ऐसे ले सकते हैं कि 2,10,000 का पेनल्टी ऑर्डर पास हो गया, या तो मैं ये मान लूं, या मैं ये मान लूं कि साहब अभी पेनल्टी ऑर्डर पास नहीं हुआ पर पेनल्टी लगेगी तो इतनी लगाई जा सकती है। अब इस स्कीम में अगर एसएससी बेनिफिट लेता है, अब क्यों लेगा, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप निश्चित रूप से इस स्कीम का बेनिफिट तभी लेने जाएंगे जब आपको लगता है कि मेरे आगे जीतने के चांसेस कमजोर हैं, या आपकी टैक्स अमाउंट इतनी छोटी है कि आपको लगता है कि मैं अननेसेसरी माथाफोड़ी करूंगा तो इससे बढ़िया मैं यहां पर टैक्स पे करता हूं या 25% ऑफ पेनल्टी इंटरेस्ट फीस पे करता हूं, बेटर आई शुड बी फ्री। तो उस तरीके के केसेस में यहां स्कीम का लाभ लेना बेनिफिशियल है। मान लीजिए यदि ये एक्स एन कंपनी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है 31 मार्च 2020 तक पे करने के लिए तैयार हो जाती है तो उसको मात्र 2,10,000 रुपए देने हैं और बाकी का अमाउंट जिसको कि मैं इंटरेस्ट और पेनल्टी 1,95,000 और 2,10,000 बोलूं उसका विवर एसएससी को मिल जाएगा। यदि एसएससी 31 मार्च 2020 तक अमाउंट पे नहीं करता तो ऐसी परिस्थिति में सर ये अमाउंट एसएससी को फाइनली पे करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से सर आपको स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलेगा ये समझने में सहायता मिलेगी। एक और उदाहरण समझिए सर, मान लीजिए मैं एक एसएससी मिसेस जेड का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं जिनका असेसमेंट ईयर 2016-17 के संदर्भ में एक 269SS में पेनल्टी लग गई 3 लाख रुपए की, जिस पर वो अपील में है। अब अमाउंट यदि वो इस स्कीम में जाती हैं डिक्लेरेंट बनना चाहती हैं तो उन्हें कितना अमाउंट पे करना है, तो ये स्कीम कह रही है सर आपको 25% अमाउंट पे करना है, यानी आप 75,000 पे कर दीजिए 31 मार्च 2020 तक, तो आपको बाकी पेनल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं है। समहाउ यदि मिसेज जेड मेरे उदाहरण में 31 मार्च 2020 तक अमाउंट पेबल एंड पेड नहीं कर पाती तो ऐसी परिस्थिति में सर उनको 25% की जगह 30% यानी 90,000 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा। हु कांट अवेल द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, किन लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, यह भी इस स्कीम के अंदर इस प्रपोज्ड एक्ट के अंदर स्पष्ट रूप से मेंशन है। फॉलोइंग पर्सन कांट अवेल द बेनिफिट अंडर द स्कीम। नंबर वन, इफ द टैक्स एरिया रिलेट टू सर्च असेसमेंट। मान लीजिए सर किसी व्यक्ति पर सेक्शन 153A या 153C में एक सर्च असेसमेंट पूरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने टैक्स एरियर के संदर्भ में इस स्कीम का फायदा या लाभ नहीं उठा सकता। सेकेंड, इफ द टैक्स एरियर रिलेट्स टू एन असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसिक्यूशन हैज बीन इंस्टीट्यूटेड, यानी आप पर डिमांड तो बन गई टैक्स की पर साथ साथ डिपार्टमेंट ने यदि प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर दिया है आप पर, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। इफ टैक्स एरियर रिलेट्स टू अनडिस्क्लोज इनकम फ्रॉम अ सोर्स और एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और इंफॉर्मेशन रिसीव अंडर ट्रीटी अंडर सेक्शन 90 और 90, यदि विदेश से फॉर एग्जाम्पल स्विस अकाउंट से किसी की जानकारी मिली स्विस बैंक से, तो ऐसे व्यक्ति भी सर यहां पर इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। पर साथ के साथ सर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि नोटबंदी के दौरान जो असेसमेंट हुए 17-18 के, उसमें भी बहुत सारी अपीलें एसएससी लोगों ने असेसमेंट ईयर 17-18 की रिसेंट पास में लगाई। यदि 31 जनवरी 2020 को वो अपील पेंडिंग है, निश्चित रूप से सर पेंडिंग ही होगी क्योंकि रिसेंटली अपील फाइल हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में सर वो भी एसएससी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि उनके असेसमेंट ज्यादातर सर्च के नहीं हुए, या तो 143(3) में या 144 में हुए हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट हुई या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है। आप इवन नोटबंदी के असेसमेंट को भी सर यहां पर कवर कर सकते हैं यदि आप स्कीम का लाभ उठाएं। और एक बात है सर, इफ द टैक्स एरियर इज अ केस रिलेटेड टू विच जहां पर कोई एनहांसमेंट सीआईटी अपील ने प्रपोज कर दिया है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, तो ऐसी परिस्थिति में भी स्कीम कहती है कि आप हमारे यहां पर एप्लीकेंट नहीं हो सकते। दो या तीन और छोटी छोटी कैटेगरीज हैं सर जो खास महत्वपूर्ण नहीं थी तो मैंने उन्हें यहां पर स्पेसिफिकली कवर नहीं किया है। अब हमें समझना है सर प्रोसीजर क्या है कि मान लीजिए आपने मानस तो बना लिया कि यह स्कीम मुझे बेनिफिशियल लगती है, जैसा मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि यह तय आपको करना है, यानी एसएससी को तय करना है उसे स्कीम में आना है या नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है सर, यदि आप इस स्कीम में आने का निर्धारण नहीं करते तो आप नॉर्मल अपीलेट प्रोसीजर में चल रहे हैं, आपकी अपील बकायदा कायम रहेगी, आपको आर्ग्यू करना है सीआईटी अपील, आईटीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिस भी लेवल पर है, और फिर फाइनली वहां पर जुडिशरी को निर्णय देना है। लेकिन यदि आपने इस स्कीम में ऑप्ट फॉर कर लिया तो प्रोसीजर क्या रहेगा। नंबर वन, द डिक्लेरेंट शेल फाइल एन एप्लीकेशन
बिफोर सीआईटी और पीसीआईटी, जो भी आपका रिलेवेंट सीआईटी या प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लगते हैं, उनके यहां पर आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये फॉर्म सरकार अभी निकाल के लाएगी रूल्स के थ्रू, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में इस अंडरटेकिंग के साथ में एक एप्लीकेशन दाखिल करनी है कि मैं अपने फर्दर राइट्स को वेव कराऊं इन टर्म्स ऑफ परसुइंग रेमेडी इन रिलेशन टू टैक्स एरियर, यानी मैं आगे अब इस मैटर को अपील में या किसी प्रकार से डिस्प्यूट में नहीं रखूंगा। दूसरी बात, सीआईटी पीसीआईटी शेल, उन्हें अब क्या करना है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिक्लेरेशन बाय ऑर्डर डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल एंड ग्रांट अ सर्टिफिकेट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द टैक्स एरियर एंड द अमाउंट पेएबल। तो आपकी एप्लीकेशन करने के बाद सीआईटी या पीसीआईटी उसे कंसिडर करेंगे और विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ योर डिक्लेरेशन वो एक ऑर्डर द्वारा ये निश्चित करेंगे कि आपको फाइनली कितना अमाउंट देना है और इस अमाउंट के संदर्भ में आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। और यदि ये सर्टिफिकेट जारी हो गया सर, तो तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप जो एसएससी के कंधों पर है, डिक्लेरेशन डिक्लेरेंट शेल पे द अमाउंट विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट एंड इंटीमेट द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट टू द सीआईटी और पीसीआईटी। तो फाइनली आपको पे करना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट और आपको बताना है सीआईटी या प्रिंसिपल कमिश्नर को के साथ मैंने ये भुगतान कर दिया है। तो ये प्रोसीजर सर इस प्रकार से इस स्कीम में रहने वाला है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु सर जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होंगे, आपके ध्यान में रहने चाहिए इस स्कीम के संदर्भ में, वो इस प्रकार से हैं। द सीआईटी दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स शेल नॉट इंस्टीट्यूट एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस और इम्पोज और लेवी एनी पेनल्टी और चार्ज एन इंटरेस्ट अंडर द इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स एरियर। यदि आप डिक्लेरेंट बन गए हैं, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, तो जो भी मैटर कवर्ड है आपके इस पर्टिकुलर मैटर में, असेसमेंट से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड, जो अपील में पेंडिंग है, तो अब सीआईटी कोई आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स या पेनल्टी की प्रोसीडिंग या इंटरेस्ट की पेनल्टी को, इंटरेस्ट की प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा आश्वासन है। अमाउंट पेड अंडर द स्कीम शेल नॉट बी रिफंडेबल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर कि यदि आपने एक बार स्कीम पे कर दी, स्कीम में अमाउंट पे कर दी और बाद में आप सोचो कि नहीं साहब मुझे तो लगता है कि मेरे को वहां ज्यादा फायदा रहता तो मैं इस स्कीम से विड्रॉ करता हूं, या विड्रॉल जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आप डिक्लेरेंट हुए, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया सीआईटी ने, एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया, तो जो अमाउंट उसके बाद में आपने सर्टिफिकेट पे करने के बाद पे कर दिया, सर्टिफिकेट इश्यू करने के बाद, तो अब आपको वो अमाउंट वापस रिफंडेबल नहीं होगा। एक उटपटांग सोच मेरे दिमाग में आती है कि मान लीजिए सर्टिफिकेट तो इश्यू हो गया लेकिन एसएससी ने अमाउंट ऑफ टैक्स ही नहीं पे किया, तो मुझे लगता है सर ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आपने कंडीशंस ही नहीं सेटिस्फाई करी जो इस स्कीम की थी, तो आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली। अपॉन इश्यू ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय सीआईटी द अपील पेंडिंग शेल बी डीम्ड टू हैव बीन विड्रॉन, और जैसे ही सीआईटी आपको सर्टिफिकेट देंगे मान लिया जाएगा कि आपकी अपील विड्रॉ हो गई। और जैसा मैंने पहले कहा, ये लास्ट बिंदु इंपॉर्टेंट है, डिक्लेरेशन शेल बी प्रिज्यूम्ड टू नेवर हैव बीन मेड इफ इट इज फाउंड टू बी फॉल्स और इट वायलेट्स द कंडीशन। यदि आपने गलत तथ्यों के आधार पर एक डिक्लेरेशन फाइल किया है या आपने उन शर्तों की अनुपालना नहीं करी जो इस स्कीम में मेंशन्ड है, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपका माना जाएगा कि कोई डिक्लेरेशन ही फाइल नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। अंत में सर मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, मैंने कोशिश करी यहां पर कि इस स्कीम के महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखूं, परंतु कोई भी इनकम टैक्स की स्कीम या योजना आती है तो उसमें कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो अगर आपके कोई प्रश्न है इस स्कीम से रिलेटेड आप मुझे लिख सकते हैं। मैं अंत में ये बात जरूर जोड़ूंगा कि अभी यह स्कीम फाइनल होनी बाकी है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति वाले प्रोसेस से यह निकलेगी। जिस दिन फाइनली ये लागू हो जाएगी उस दिन से हमारे को इस स्कीम का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना यह तय करना है। और यदि आप इस स्कीम का बेनिफिट लेते हैं तो आपकी जो भी अपील है वो विड्रॉ कर ली गई मानी जाएगी। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं वापस से आपके सामने जोड़ता हूं। तो अगेन सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।